नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिमल। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आपके कंप्यूटर के जो डिलीटेड परमानेंट डिलीट हो गया होगा कोई फाइल या फिर फोटो या फिर वीडियो जो डिलीट हो गया है उसको कैसे वापस लाए। तो इस वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे कि रिसाइकल बिन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, डेस्कटॉप में भी कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो हम लोग कैसे एक फाइल को रिकवर कर सकते हैं, वो भी फ्री में। पेड वर्जन भी है लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ फ्री वर्जन दिखाएंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज में जाएंगे या फिर कोई भी ब्राउज़र आप जा सकते हैं, क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, कुछ भी जा सकते हैं। खोल के मैं डायरेक्ट गूगल में सर्च कर रहा हूँ, आप कोई भी बिंग में सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर आप लिखेंगे रेकू, RECUGA। ये एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपका डेटा रिकवरी करता है। उसके बाद आपका रास्ता से चल खोलने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ccleaner.com/recova, इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपका ऑफिशियल पेज खोलेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर रिकोवा लिखा हुआ है। उसके नीचे ठीक देख पा रहे हैं कि डाउनलोड फ्री वर्जन है और साइट में प्रो वर्जन है। हम लोग फ्री कर रहे हैं, उसके लिए फ्री वर्जन हम डाउनलोड करेंगे। क्लिक करेंगे, नीचे पेज खोलेगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखा हुआ है, रिकवरी फ्री, रिकवरी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल प्लस। हम लोग फ्री कर रहे हैं, उसके लिए फ्री वर्जन नीचे देख पा रहे हैं, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और एक पेज आएगा जिसमें भी सेम करना है आपको। फ्री वर्जन में नीचे आपको डाउनलोड लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करना है। और यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए डाउनलोड बैठ गया है फाइल, देखिए हो गया। इसको आप ओपन करेंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद आपको परमिशन मांगेगा, परमिशन में आप यस करेंगे। ये देखिए इंस्टॉल चालू हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं रेकुवा 1.53 सेटअप है, इसको हम अभी इंस्टॉल करेंगे। देखिए सेटअप चालू हो रहा है, देखिए इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे डेस्कटॉप में दिख रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि मुझे रिबूट करने को बोल रहे हैं। मैं बाद में करूँगा, उसीलिए मैं ऑप्शन चूज करूँगा, आई वॉन्ट टू मैनुअली रिबूट लेटर। उसमें क्लिक करेंगे और फिनिश करेंगे। अभी रेकुवा को आप ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप से डबल क्लिक करके। परमिशन मांगेगा, परमिशन यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो रिकोवा विजार्ड है ये चालू हो जाएगा, आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देख पा रहे हैं ऑल फाइल्स है, मतलब आपको सब फाइल आप रिकवर कर सकते हैं। उससे नीचे है पिक्चर्स, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट, वीडियो एंड कॉम्प्लेक्स फाइल, और ईमेल भी आप रिकवर कर सकते हैं। चलिए मेरा पिक्चर पिक्चर जो है पिक्चर को मैं रिकवर करता हूँ। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे फाइल था। आपको पहला ऑप्शन है आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे पता नहीं है कहाँ पे था। नेक्स्ट है ऑन माई मीडिया कार्ड और आईपैड। उसके बाद है माई डॉक्यूमेंट्स में था, या फिर नीचे लिखा हुआ है रिसाइकल बिन में था। तो अगर आपको पता नहीं है कहाँ पे था, वो आई एम नॉट श्योर कर दीजिए, नेक्स्ट करिए। फिर आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे लिखा है एनेबल डीप स्कैन। अगर आप इससे पहले भी एक बार ट्राई कर चुके हैं और फाइल आपको नहीं मिला है, तो आप ये जो डीप स्कैन है इसको एनेबल करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका पहली बार है तो आप नॉर्मली स्टार्ट कीजिए। अगर आपको फाइल मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से ये करके ये जो इनेबल डीप स्कैन है इसको टिक करके स्टार्ट कीजिएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मली स्टार्ट करेंगे, अगर फाइल नहीं मिला तो हम डीप स्कैन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, जो आपका ड्राइव है वो सब स्कैन करेगा। देखिए स्कैन पूरा हो चुका है, कोई भी पॉपअप आए उसको ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब फाइल जो मेरे डेस्कटॉप में नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, ये रिकवर हो चुका है। देखिए ये सब फाइल रिकवर हो चुका है। तो इसे अच्छे से देखने के लिए आप जो एडवांस मोड है उसमें क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन कलर का बटन वाला नाम है, नाम के साथ आता है, वो रिकवरेबल है। जो रेड वाला है वो
एकदम ही रिकवर नहीं होगा, ओवरराइट हो चुका है। और जो योलो वाला है, देख रहे हैं आप, योलो वाला करप्ट हो चुका है, आपको फाइल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो अगर आपको आपको पता है कि फाइल का नाम क्या था, तो यहाँ पे बाय फाइल आपको मिल सकता है। मैं अभी एक फाइल को रिकवर करके आपको दिखाऊंगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो पहला वाला फाइल है, आप इसको अगर रिकवर करना चाहते हैं तो उसको टिक मारेंगे। टिक मार के रिकवर ऑप्शन देखिए आ गया, इसमें रिकवर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मुझे कहाँ सेव करना है वो दिखाएगा। हम लोग डेस्कटॉप चूज करेंगे, सबसे ऊपर है डेस्कटॉप, हम लोग डेस्कटॉप क्लिक करके ओके करेंगे। जब तक ओके करेंगे तब इसमें एक पॉपअप आएगा, उसमें आप यस करेंगे। यस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक जो फाइल है, मैं एक ही फाइल रिकवर किया, एक फाइल रिकवर हो गया। देख पा रहे हैं डेस्कटॉप में ये रिकवर होके फाइल आ गया है। तो दोस्तों, ऐसे आप फ्री में कोई भी डिलीटेड फाइल रिकवर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में।